हम शरीर नहीं हैं, हम मन नहीं हैं, हम बुद्धि नहीं हैं, हम जो हैं वो हम अपने आप को जाने, अपने आप को पहचाने और अपने जीवन में ऐसी ऐसी सुंदरता लेकर के आए कि पहले तो हमारा जीवन प्यारा हो जाए, खूबसूरत हो जाए, फिर कहीं भी जाए और कुछ भी देखे, कुछ भी करे, वो सब करने और सब कर्म को करते हुए पर ये जानता है कि शरीर और मन कार्य को करता है, ना मैं शरीर ना मैं मन। ये याद रहे, क्या आनंद स्वरूप है मेरा आत्मा, आनंद स्वरूप हूँ मैं, सुख स्वरूप हूँ मैं। तो आनंद चाहिए तो अपने भीतर डुबकी लगाऊं मैं, न भोग में, न सामान में, न वस्तुओं में, न चीजों में, अपने अंदर ही सुख है। आई अंदर के सुख की जो खबर देता है उसी को तो सद्गुरु कहते हैं। इसीलिए सद्गुरु से प्यारा और कोई हो नहीं सकता है। बाकी सब भटकाते हैं, गुरु राह पे ले आता है और गुरु राह पे ले आता है और अपनी राह पे चलते हुए अपने अंदर इतना आनंद, इतना ज्ञान लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ। तो विचारवान बनिए और विचारवान बनने के लिए सत्संग श्रवण करना जरूरी। तो नियम रहे कि हम आज सत्संग किस समय सुनेंगे, ये नियम समय हमारा तय हो, या इस समय हम पुस्तक पढ़ेंगे ये हमारा समय तय हो, हम सुबह जल्दी उठेंगे ये हमारा तय हो, उसमें कोई बेईमानी नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इसी के लिए पुराने लोग ये बात कहते थे, सुबह उठते ही कोई बच्चा कहे ना भूख लगी खाना दे दो, वो कहते थे नहीं, पहले जाओ भगवान को प्रणाम करो, पहले प्रणाम करो, थोड़ा सा बड़ा हो जाए फिर नहीं, पहले जप करो, देंगे खाना, बर्दाश्त करो। आजकल बच्चा जरा सा ची करे ना तो सारे पगला जाते हैं उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए, चूंकि इतनी जल्दी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं इसलिए वो पेशेंस जानते ही नहीं है, वेट करना जानते ही नहीं, मेहनत करना जानते ही नहीं। आप बड़े धनवान हो तो भी बच्चों को ऐसे मुंह फाड़ के सब कुछ मत देते रह के, वो मुंह खोले और दे दो, मुंह खोले और दे दो, बोले नहीं रुक अभी नहीं। तीसरी दूसरी चौथी के बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन से निकल रही जो वेव्स हैं वो उसके दिमाग के लिए हानिकारक होती। ये पीछे बहुत सारे अब केसेस बढ़ते आ रहे हैं कि बच्चे सो नहीं पा रहे, वो फोन में लगे रहते, फोन की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उससे उनके ब्रेन पर असर आता है, ADD हो रहा है, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, हाइपर हो रहे हैं, क्रोधी हो रहे हैं, जरा जरा सी बात पे गाली निकाल के चीज उठा करके मार देते हैं, वैल्यू नहीं ना जीवन की। अब इसमें क्या अच्छी बात करी आपने? तो वस्तुओं के उपयोग में क्या होता है ना, माँ बाप को उन्हें लगता है हम तो अपने कामों में बिजी हैं तो बच्चे को बिजी होने के लिए भी हमारा दिमाग मत खाओ, हमने पार्टी में जाना है ये लो पकड़ो फोन, इसमें लगे रहो, कुछ चाहिए हो तो फोन बोल देना। अब तो कुछ चाहिए ही नहीं क्योंकि खाना भी फोन से ऑर्डर हो सकता है, शॉपिंग हो सकती है, अब तो माँ की भी जरूरत नहीं रह जाएगी। माँ बनाएगी वही हरी सब्जी, कहेगी ये कहे वो, उसको तो वही फास्ट फूड खाना है, and if you eat fast food you will get sick faster and then you will die faster, how can that be good? Dabba band cheeze khaoge dabbe mein band ho jaoge, coffin mein band ho jayega। To apni indriyon par sanyam kare aur apne bachchon ke sath vartalap kare, let them understand, let them feel it। वो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते, बच्चों को बेवकूफ मत समझिए।
तो गुरु का जो ज्ञान है ये तुम्हारे जीवन का हिस्सा हो, और फिर यह ज्ञान तुम्हारे आसपास तुम्हारी बहन है, तुम्हारा भाई है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे घर में काम करने वाले जो सर्विसेज देते हैं उनसे भी बात करो। यहाँ मेरे आश्रम, इस आश्रम में मेरे साथ उस दिन सफाई कर्मचारी है, उतने प्यार से हाथ जोड़ के खड़ी थी, तो मैंने रुक के पूछा आपका नाम क्या है, बताया उसने गांव की थी, फिर एकदम से बोली मुझे मंत्र दीक्षा चाहिए। मैं हम देंगे तुम्हें मंत्र दीक्षा। फिर हफ्ते के बाद वो फिर दिखी तो हाथ में माला लेके खड़ी हुई थी, कहती थी स्पर्श कर दीजिए मैं अब जप करूंगी। आप सोचिए वो महिला घर का कामकाज अपने घर का पहले खत्म करती है, फिर 8 बजे यहाँ आती है और फिर 5 बजे यहाँ से जाती है, पर उसको जप करने की इच्छा हो रही। उसे जप करने की इच्छा हो रही। अब ये जो संस्कार उसके भीतर गया है, ये संस्कार आगे मैं देखती हूँ उनके उनके बच्चों में भी आ रहा है। इनके इम्तिहान हो रहे प्रणाम करने आएंगे, पास हो गए प्रणाम करने आएंगे, अब शादी हो रही है आशीर्वाद लेने आएंगे, कि ये बात उन्हें समझ लग गई कि जिंदगी में कुछ भी अच्छा करना है तो पहले अपने गुरुदेव से आज्ञा भी लेते हैं और उनसे आशीर्वाद, ये बात उनको भी समझ आ गई। और कहीं कोई उन्हें संकोच नहीं है कि भाई हम उनसे बात नहीं कर सकते, ऐसा किसी को भी नहीं, बड़े मजे से अपनी बात करते, यही सेवा करते हैं। उस दिन बोले मेरे घुटने में थोड़ा दर्द हो रहा है, मैं जल्दी आकर के आसन सीख ले, नहीं तो जाने से पहले तुम आसन सीख जाना, हमारा कोई शिष्य तुम्हें बताएगा। ठीक है जी, यही थोड़ा बहुत करती रही करती रही करती रही, फिर उस दिन मिली कहती जी मेरा ठीक हो गया। बात बड़ी छोटी है पर उसका विश्वास मुझ पर है कि मैं ये बात भी इनको कह सकती हूँ, मेरे अब दर्द नहीं। उनकी घर की जरूरतें हैं इसलिए वो रुपया तो लेंगे ऑब्वियसली, लेकिन उनका भाव, उनका प्रेम, क्या उसका कोई मूल्य हो सकता है? तो भावनाओं की कीमत क्या है ये तुमको भी सीखनी चाहिए और आगे तुम्हारे बच्चों को भी आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बैठ जाओ डंडा लेके के सीखो सीखो सीखो, नहीं, तुम वो जो करोगे वो तुमको देख देख के करने लग जाएंगे, पर कभी कभी थोड़ा बातचीत भी करनी पड़ती है, थोड़ा थोड़ा समझाना भी पड़ता है, थोड़ा सिखाना भी पड़ता है। तो ये प्रार्थना होनी चाहिए मन में, क्या ईश्वर जीवन में संत महात्माओं की संगति हमेशा मिलती रहे, ज्ञानियों का संग हमेशा मिलता रहे। ईश्वर का स्वप्न है ना ये जगत, तो जिसका सपना उसको कहना ही पड़ेगा ना कि क्या क्या देख तू, जो वो देखेगा वो हमको देखना पड़ेगा। ईश्वर उपासना में एक बड़ी मस्त चीज होती है, ईश्वर उपासना में क्या है वो कहता है कि मेरे कर्म की गति क्या, हम कौन और हमारे कर्म क्या, बस जो तू देगा वो मिल जाएगा, तो मेरी दृष्टि तेरे पर है, क्या मिलता है इस पर नजर है ही नहीं मेरी, हम तो तेरे चरणों के संग जुड़े हैं, बस यही प्रार्थना है कि जुड़े रहे, मन लगा रहे, मन जुड़ा रहे, मोहब्बत बनी रहे, भक्ति भाव बना रहे, उसमें कोई कमी ना हो जाए कहीं। ये एक पंजाबी का भजन है, नजर में मेरी आया है तो इसको गाते हैं। चरणों में लगाया है तुमने मुझे सदगुरु, तेरे चरणों में ही मिट जाऊं मैं, रुल जावा मने तेरे चरणों में ही मिट जाऊं, जो तुमने मुझ पर उपकार किया है मैं उसको कभी भूल ना जाऊं मैं। वाह वाह,
निक्का जिया एक कतरा सागर दी सार नहीं, निक्का माने छोटा सा, मैं छोटी सी एक बूंद हूँ, तू सागर है, तेरा अंत नहीं समझ पाऊंगा, नहीं कोई मेरी हस्ती यांदा करना सत्कार नहीं, मेरा क्या अस्तित्व और मैं क्या सत्कार कर सकता हूँ प्रभु तेरा। ए गुरुदेव दास इन्ने सोने चरणा नू छड़ होर किथे जावा मैं, ए मेरे सुंदर सदगुरु तुझे तेरे सुंदर चरणों को छोड़ के बता मैं कहाँ जाऊँ, मैं तो तेरे चरणों से जुड़ा हूँ, तेरे चरणों से लगा रहूँ, यही विनती है तेरे चरणा दे बिच दाता करा सौ सौ बार नमस्कार, सदके जावा चरणा तो जिना कीता है बेड़ा पार, सदके माने मैं बलिहार जाऊँ कुर्बान जाऊँ तेरे पर, कि तेरी कृपा से मेरे मन का ये जो नाव बेड़ा माने मेरे मन की जो नाव है सुपार हुई है। दस ऐडे सोने चरणा नू छड़ होर किथे जाऊँ मैं, बता बता मेरे सदगुरु तुझे छोड़ के और कहाँ जाऊँ मैं, तेरे चरणा दे विच दाता अरदास ए करनी है, ये प्रार्थना मुझे करनी है आपके श्री चरणों में, हुन तोड़ निभे मेरी ए मंग पई मंग दी हाँ, हमारा ये जो रिश्ता बना है गुरु शिष्य का ये पूरी मंजिल तक जाए, बीच में कहीं टूट ना जाए। दस एने सोने चरणा नू, दस मने पता टेल मी, दस एने सोने चरणा नू छड़ होर किथे जावा मैं, चरणा विच लायाई चरणा विच रुल जावा, किताई जो मेरे ते उपकार ना भूल जावा, मैं तेरा प्यार ना भूल जावा, तेरा प्यार ना भूल जावा, चरणा विच रुल जावा, चरणा विच रुल जावा, निकाज आई
किथे जावा मैं दस एडे सोने चरनानू छड़ होर किथे जावा मैं चरना विच लाए